सारण जिला प्रखंड मनोड़ा के अंतर्गत पंचायत बरहिया के मुखिया अमरजीत प्रसाद ने किस मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं और अपना विजय प्राप्त किए हैं, देखिए आप इस वीडियो में। और इनके पंचायत में विकास का कार्य विशेष रूप से कौन कौन सा हो चुका है और कौन कौन सा चल रहा है और इस पंचायत में मुख्य समस्या कौन कौन सी है, इस वीडियो में आप देखें। कौन आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। इस वक्त हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम मौजूद है बरदहिया पंचायत में मुखिया जी के पास। आइए जानते हैं कि आखिर किस मुद्दे पर अपना चुनाव लड़न विजय प्राप्त किए हैं और इनके पंचायत में मुख्य समस्या कौन कौन सी, इसी पे चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। देखते रहिए कानूनी जंग न्यूज। सबसे पहले इस चैनल आपका स्वागत सर, अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ आपके देश के माध्यम से, और मेरा नाम अमरजीत प्रसाद हुआ। सर समाज सेवा में आप कब से एक्टिव हैं? मैं तो लगभग 20 साल से एक्टिव हूँ सामाजिक कार्य के स्तर पर। सर आप इसके पहले भी चुनाव लड़े हैं? जी पिछली बार भी मैं लड़ा था और कुछ मतों के अंतराल से मैं मन रह गया और दो नंबर पर आ गया। सर इस बार कितनी मतों से आपकी विजय प्राप्त हुई है? 66 मतों से। सर चुनाव से पहले ऐसा कौन सा कार्य किए हैं कि जिससे आपकी विजय प्राप्त हो गई? मैं सोशल वर्कर था, पहले लोगों के सुख दुख में साथ देता था। जो भी काम हो, बड़ बीमारी हुआ या जो भी हो, उसके साथ मैं हमेशा रहता था, रात दिन एक किए हुए रहता था। और तो किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव मैं विकास के मुद्दे पर लड़ रहा हूँ और मैं हमारे पंचायत का विकास और हो चुका था, इसलिए मैं विकास के नारा लेकर मैं लड़ा हूँ। विकास करने मैं विकास पथ पर प्रयासरत हूँ। विकास का कार्य कौन कौन सा हो चुका, कौन कौन सा चल रहा है आपके द्वारा? मैं कुछ रोड को मैं ढलाई हुआ है, पक्कीकरण हुआ है, उसके बाद रोड को मिट्टीकरण हुआ है और नाले की सफाई हुई है, और 3 घाटों पे मेरा जो घाट होता है उसके 1 घाट कंप्लीट हो चुका है, 2 घाटों पर काम चल रहा है। मनरेगा के तहत ये सब कार्य हुआ है? नहीं, मनरेगा के तहत रोड की भराई हुई है वही, और नाले की सफाई हुई। सर मुख्य समस्या कौन कौन सी आपके पंचायत में? अभी मुख्य समस्या रोडों की लेकर है, और अभी हर जगह कहीं भी अभी मैंने जो हम लोग का आस्था का पर्व छठ पर्व होता है, वहाँ कहीं भी अभी तक घाट नहीं बना हुआ था। इस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आस्था का पर्व, हर बिहार के आस्था का पर्व है, इसमें सारे मैंने जो व्रत करते हैं लोग उनको कठिनाई होती थी, इस पर ज़्यादा फोकस आया। और लोगों का भी कहना है कि जल्द से ये काम होना चाहिए, और तो रोड वगैरह तो है ही, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सर नल जल भी दयनीय स्थिति है, उस स्वास्थ्य केंद्र है? वो स्वास्थ्य केंद्र तो नहीं है, नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र कितनी है? लगभग हर वार्ड में है आंगनबाड़ी। सरकारी वन में चलती है कि निजी में? नहीं निजी में चलती है, सारी निजी में चलती है। सर पीएम आवास